एंड जब तक और लोग नोटिस करते हैं कि मैं लाइव हूँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने लाइव आने के लिए, और बाय हम आई मीन कि हमारी टीम, जिस टीम में आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद उससे जुड़ना चाहेंगे, इस टीम में आप ही शामिल हो जाएंगे। एंड सबसे पहले तो ये टाइम, हमने ये टाइम क्यों चूज किया FB पे लाइव आने के लिए, तो इसलिए कि आप सबको पता होगा कि एक पहर जब बदलती है तो वो 4 बजे बदलती है और 4 o'clock, तो हम डॉन और डस्क को स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं करती थी कि मुझे सुबह के 4 बजे लोग सुनें और देखें। सो इट्स 4 PM चोजन आप सबके मुखातिब आने के लिए, और आपसे कुछ इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए। एक और जानकारी देना चाहूँगी कि मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ, सो दिस इज माय फर्स्ट लाइव गोइंग हैपनिंग ऑन FB, वेरी लो प्रोफाइल पर्सन, और बहुत तो लोगों को देखा है लाइव आते हुए जो अपनी प्यारी यादें टूर शेयर कर रहे होते हैं व्यूअर्स के साथ। तो हम एक्टर्स में यूजुअली अपनी फिल्म का प्रमोशन हो रहा होता है एंड बहुत और रैंडम मौके, बट दिस इज अ लिटिल स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, मूवी हमने भी करी और ये इशू जो आज एड्रेस हो रहा है मेरे लाइव आने से, उसका कोलाहल इंडिया में, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत मच रहा है। इस इशू का कोई सस्पेंस नहीं है, इट्स अबाउट फीमेल खतना या FGM। FGM के मायने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन / कटिंग, म्यूटिलेशन या कटिंग। मैं फीमेल्स के साथ साथ, देयर आर होल लॉट ऑफ फीमेल्स ऑल्सो वॉचिंग मी एट द मोमेंट एंड गुड, काफ़ी ज़्यादा मेल मेंबर्स भी अटैच हो रहे हैं। अरुण जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वॉच करिए, ज़रूर देखिए। आपके प्रदेश में कम है ये, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचनी चाहिए सब तक, क्योंकि जहाँ तक मेरे डेटा और नॉलेज में है, अभी सिर्फ इस मुद्दे के बारे में भारत में 2% लोग भी वाकिफ नहीं हैं। तो टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी कि रूबरू होकर डेफिनेटली अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। हाय, नमस्ते मृदुला जी, आई एम वेयरिंग पिंक एट द मोमेंट। US में पिंक बड़ा ही इज अ कलर फॉर ओनली फीमेल, लेकिन हमारे भारत के फैशन ट्रेंड में कुछ साल से मेल्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग पिंक इन देयर वार्डरोब। मैं प्लीज चाहूंगी कि जब इस इशू को आप शेयर करें, बांटें, तो हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि माना ये फीमेल्स रिलेटेड मुद्दा है, लेकिन मेल्स भी इसको इक्वली अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये मेल्स और फीमेल्स का प्रॉब्लम नहीं है, FGM इंसानियत का पहलू है, इसमें ह्यूमैनिटी का मुद्दा है ये।
हमारी फीमेल हमारी फिल्म फीमेल खतना हमने पिछले साल शूट करी थी फेब्रुवरी में। मुझे बहुत गर्व से मेरे स्टूडेंट शशांक उपाध्याय का नाम लेने में वाकई में गौरवान्वित फील करती हूँ, क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट की फिल्म में काम करे ऐसा कम होता है। और हमारी फिल्म की क्वालिटी क्या आई, कैसा परफॉर्मेंस सबका रहा नहीं रहा, ये मसला है ही नहीं। एक अच्छी मुहिम हुई और उस लेट टीन्स एक युवक नौजवान लड़के के मन में इस टॉपिक को उठा के फिल्म बनाने की जद्दोजहद मैंने देखी। तो जब उसने मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, एंड मेनी ऑफ अस एक्टर्स आर एक्चुअली कॉन्स्टेंटली अप्रोच्ड कि इस सोशल मुद्दे पे हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो इस इविल को इराडिकेट करना चाह रहे हैं, या आइए इस कॉज पे हम बना रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। अक्सर अप्रोच लोग करते हैं, लेकिन जो ट्रुथफुलनेस और जो आंखों में नमी शुरू में मैंने इसके तरफ से पाई थी, आई थिंक दैट अट्रैक्टेड मी टू ज्वाइन दिस। और जब इस फिल्म का नरेशन हुआ था साथ में बैठ के विद द टीम, साबिर खान हमारी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और फीमेल खतना हमने कोई क्रिएटिव टाइटल नहीं रखा, हमने डायरेक्ट हिट किया। जो मुद्दा है, जो इशू है, जो टर्म है, वी यूज दैट फॉर आर फिल्म। और प्रोडक्शन हाउस ने भी बहुत अच्छा सही अपने आप को टाइटल दिया, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य क्लियर था, साफ था कि हम इसको कोई क्रिएटिव अपना दिखाने के लिए पहलू नहीं बना रहे हैं, हम इसको फेस्टिवल्स में नहीं भेज रहे हैं, ये सिर्फ जागरूक करने के लिए, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए FGM पे या फीमेल खतना पे फिल्म बन रही है। आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब इसका नरेशन हुआ था, और आमूमन ऐसा होता है हम एक्टर्स जब सुन रहे होते हैं थोड़ा सा मुंडी हिलती है, थोड़े से क्वेश्चंस अक्रॉस पुट करे जाते हैं, पूछे जाते हैं भाई सामने वाली टीम, तो यहाँ मैं आवाक थी, ऐसे मुंह खुला होकर स्तब्ध होकर मैंने ये पूरा सुना, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी है ये बिल्कुल दूर दूर तो खबर नहीं थी, पता ही नहीं था इस मुद्दे के बारे में। हमने इसकी डबिंग भी कंप्लीट कर ली थी अप्रैल में, और पिछले एक साल से ज्यादा जब जब हमने इसकी कुछ भी अपलोड करने की कोशिश करी गई, तो बिना जाने इस टॉपिक की डिटेल के बारे में खामखा लोगों ने बहुत अड़ंगे लगाए, बहुत सारे हमको अड़चनों का तकलीफों का सामना करना पड़ा। एंड माय डायरेक्टर शशांक उपाध्याय उस लड़के को, बहुत सारे हमारे डायरेक्टर को थ्रेट्स आते थे, धमकियाँ आती थी। फाइनली 1 जुलाई हमने इस फिल्म को अपलोड किया, जो मैंने बहुत सारे अपने गुरुजन, अपने चाहने वाले, अपने सारे दोस्त, माय वेल विशर्स, माय फैमिली मेंबर्स, जो इस समय आप पांचों कैटेगरीज मेरे FB पे भी हैं, इन सब से शेयर की थी वो फिल्म। एंड आई थिंक FB पे भी, फेसबुक पे भी शेयर करी गई। वेरी रिसेंटली मेनका गांधी के थ्रू कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हमने पढ़े, एंड लेट मी टेल यू कि अगर 1,000 में से मेरे एक दोस्त ये सोचते हैं कि इसमें जो हो रहा है हमारा श्रेय नहीं है, हम नहीं जाता श्रेय, तो
भैया हमको श्रेय लेना भी नहीं है। मुहिम ये जंग बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। काफी साल से मुंबई में सहयो नाम का एक एनजीओ है जो एग्जिस्ट करता है। और अब मैं थोड़ी और डिटेल और बारीकियों में जाऊंगी इस एफजीएम के बारे में। अगेन टू रिमाइंड द व्यूअर्स जो अब हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, विच इज फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एफजीएम फीमेल हथना। ये होता क्या है? मेरे इस लाइव के साथ साथ एक अबाउट सेक्शन है, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में हिंदी में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करी है। इसमें अटैच्ड हमारी फिल्म का लिंक भी है और लिंक जो हमारी न्यूज़ मनोहर खुसलानी जी के थोड़े एफर्ट से स्टेज बज, विच इज़ एन ई मैगजीन, अ वर्ल्ड फेमस ई मैगजीन, उसमें हमारी न्यूज़ गई या एफजीएम के बारे में खबर गई, वो लिंक भी उसी में उपलब्ध है, शेयर्ड है। और इसमें एक और लिंक शेयर्ड है जो एक उपलब्धि नुमा हमारे लिए आया ऑन मंडे, एंड थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिला, इट इनकरेज मी टू कम लाइव टुडे, कि भाई अगर मुहिम हमने नहीं भी चलाई लेकिन इस समय तवा गरम है। जो चीज सालों नहीं हो रही थी आज वो मच टॉक्ड अबाउट, मच सॉट आफ्टर, एक ऐसा इशू है, एक ऐसा कॉज है जो सबका अटेंशन सीक कर रहा है। मेनका गांधी शायद 2014-2015 में भी आवाज उठा चुकी थी, बट इट इज नाउ दैट इट वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक नॉलेज एक आर्टिकल के थ्रू इन द न्यूज़पेपर। तो लिंक एक और भी है टीओआई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस मुद्दे की सुनवाई हुई ऑन मंडे, दिस मंडे। आप लोग ने शायद वो न्यूज़ पढ़ी भी हो। द हिंदू में, इंग्लिश में, हिंदी में वो सब जगह आई थी छोटे से सेक्शन में। मैं आपको बताऊं, छोटी सी जानकारी और शेयर करती हूँ कि मिस्टर तिवारी ने पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, और जो भी उन्होंने कुछ फाइल किया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही सेंटर को, स्पेशली कुछ स्टेट्स के सेंटर को और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, चार सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को उन्होंने आगाह किया था। दे सुप्रीम कोर्ट हैड सेंट अ नोटिस टू ऑल दीज फोर मिनिस्ट्रीज, भाई ये जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एफजीएम हो रहा है इसकी जवाब दे दीजिए, ये क्यों हो रहा है। अगर ये किसी रिलीजियस या किसी भी धार्मिक कारण के तहत हो भी रहा है, उनकी कस्टम के अनुसार हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। आप लोग मेरे एफबी के फ्रेंड्स काफी अवेयर हैं कि मैंने, सॉरी, पहले से मान लिया, इसलिए आपको डिटेल में एफजीएम या फीमेल खतना के बारे में नहीं समझाया, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि हमारी वेल जानते होंगे कि खतना क्या होता है। सो लेट मी टेल यू कि जो हमारे मुस्लिम सोसाइटी में मेल खतना होता आया है, जिसके बहुत सारे अच्छे कारण हैं, साइंटिफिकली, मेडिकली, हेल्थ वाइज, देयर गुड रीजंस फॉर इट, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये इस्लाम में भी बुरा माना जाता है, इसको फॉलो कौन करता है? इसे फॉलो करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के 2% लोग जो कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के हैं,
और दाऊदी बोरा कम्युनिटी के ये लोग अपनी छोटी बच्चियों जो जिनकी उम्र शायद 6 से 12 साल के बीच या 5 से 10 साल के बीच, दे कट द क्लिटोरिस ऑफ दिस यंग बेबी गर्ल फीमेल, उसके जनाइटल अंगों को कट किया जाता है। ये काफी कंट्रीज में बैन है, कंप्लीट बैन है, यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में एंड आई बिलीव 27 अफ्रीकन कंट्रीज में ये ऑलरेडी बैन है। यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारे भारत में ये सोशल ईविल प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जो ये एनजीओ मुंबई में इतने साल से रनिंग है, इन लोगों ने कांस्टेंट अपील्स करी अपने कोर्ट से भी और खास तौर से यूएन में, कि जिस तरीके से आप बाकी लोगों को एड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल चीज़ आप बैकिंग देते हैं, तो उस तरीके से उस लिस्ट में डेवलपमेंट के लिए आप भारत को भी इंक्लूड करें। सहयोग नाम का ये एनजीओ जिसकी को फाउंडर का नाम है शाहिदा तवा वाला कीर्ताना, शाहिदा तवा वाला कीर्ताने कीर्ताने। आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट इस साल उनकी जो चल रही थी स्लो पेस्ड जंग, उसमें और 28 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ दिया। एंड इस साल की शुरुआत में उन्होंने ये यूएन से अपील करी है कि प्लीज़ आप इसमें फर्दर एग्जामिनेशंस करें, अपना आंकड़ा एक डेटा इकट्ठा करें कि कहाँ कहाँ किस हद तक ये फैला हुआ है। क्योंकि यूएन के डेटा के अनुसार देर वर अराउंड 200 मिलियन विमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज, जिस साथ ये प्रैक्टिस हो रही थी या जिन जो इसका शिकार थी। ये एनजीओ भी बता दूं, इज बीइंग रन बाय बोरा विमेन ओनली, और जो सुप्रीम कोर्ट में अभी मंडे को सुनवाई भी हुई, पिछले साल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 4 गवर्नमेंट्स को क्वेश्चनिंग करी थी, नोटिस भेजे थे, जहाँ जहाँ ये ज़्यादा है, लाइक इन महाराष्ट्र, इन गुजरात, इन राजस्थान एंड इन दिल्ली। इस साल और ज़्यादा आगे बढ़े हैं, वो अपने कदम उठाए हैं, क्योंकि हमारी करंट सरकार ने बहुत इसको तवज्जो दिया है। एंड अप्रैल में आर सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टोटली अगेंस्ट इट। उन्होंने, आई हैव द डिटेल हियर विद मी, कि उन्होंने इसको कंडेम ही नहीं किया, इंटरनेशनल सोसाइटीज ने भी इसको कंडेम किया, खारिज किया, ठीक है। और अप्रैल में ये हुआ और आज जल्द ही मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने, जब बेंच को ये इश्यू एड्रेस हुआ, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डू ओपन द लिंक एंड रीड, या आप अपने पुराने न्यूज़पेपर्स द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया निकालेंगे तो आप पाएंगे कि के वेणुगोपाल और अभिषेक अभिषेक सिंघवी, इन दोनों के बीच बोथ द एडवोकेट्स हैव
kept their points एंड दोनों में जो आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें अभिषेक सिंघवी जी ने ये कहा कि ये फीमेल म्यूटिलेशन नहीं है, म्यूटिलेशन नहीं है, ये सर्कमसिजन है। और जैसे मेल्स का खतना तो वैसे ही इनका खब्ज कहलाया जाता है। और उन्होंने अपना केस पुट फॉरवर्ड किया। एनीवेज बट बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जोर देकर क्वेश्चन किया है इसको। बहुत सारी एक्ट्स के तहत जो है वो माना गया है कि इट्स एन ओफेंस। और बहुत जल्द ऑलरेडी बोरा मुस्लिम एसोसिएशन ने अपनी एप्लीकेशन दर्ज की हुई है, उसकी भी हियरिंग होगी। दैट्स व्हाट ऑल दैट दे आर वेटिंग फॉर आई बिलीव नाउ, जब तक कोई और नया अड़ंगा ना लगे। एंड आई रियली रियली ट्रस्ट आ करंट गवर्नमेंट कि इतने साल ऐसा नहीं था कि लोग सोए हुए थे, लेकिन एक हवा चलती है ना, एक टाइम आता है कॉस्मोस के थ्रू, समझ लीजिए वो आ गया। तो अभी जो इस समय हड़कंप मचा हुआ है, भाई हमारी टीम ने भी तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र पाया, कुछ पढ़ा इंटरनेट पे, तभी हिम्मत रखी कि इस पे फिल्म बनाएंगे। हमारी 10 मिनट की फिल्म है फीमेल खतना, इट्स ऑन यूट्यूब, लिंक शेयर्ड है अबाउट सेक्शन में ऑफ दिस वीडियो। प्लीज वॉच दिस फिल्म। जो जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन शेयर करी बहुत ज़्यादा हो गई है आपके लिए, तो आप खुद जाके इसके बारे में पढ़ें, प्लीज़ पढ़ें। एंड सिर्फ पढ़ के अपने तक वो नॉलेज अवेयरनेस नहीं रखिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने ये टाइम 4 बजे का चूज़ किया है। प्लीज़ स्वॉप डस्क इन डॉन कि उगता हुआ सूरज होगा हमारे इंडिया में भी। इस पे फुल्ली बैन लगने वाला है। आई कैन सी द फ्यूचर। तो भाई जब हिस्ट्री का ये नया चैप्टर लिखा जाने वाला है, मेरे भारतीय नागरिकों, मेरी ये अपील है कि कोई चीज हिस्ट्री बनने वाली है कि ऐसा ऐसा कुछ प्रथा थी, कस्टम था, धार्मिक रिचुअल था, विच वॉज एज इट इज वेरी इनह्यूमन। किसको हक मिलता है, क्यों मिले हक इस तरीके से एक फीमेल जेनाइटल पार्ट को छेड़छाड़ करने की, कट करने की, जिसके बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात तुरंत भी हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, मृत्यु भी हो सकती है। यस देयर आर डेथ्स व्हिच हैव हैपेंड इन द पास्ट, और लॉन्ग रन भी होता है, मेंटल ट्रॉमा से बचे होते हैं। प्लीज रीड अबाउट इट इन डिटेल। तो हर एक वर्ग, मुझे तो दिखता है कि सब अपने ही अलग अलग रीजन से आई एम श्योर इसको शेयर कर सकते हैं। इस नॉट ओनली माई फिल्म वीडियो बट दी अदर लिंक्स उसको शेयर कर सकते हैं। ये पैसेज जो है अबाउट सेक्शन में, इसको कॉपी पेस्ट करके शेयर कर दीजिए। खुद लाइव आइए। हिस्ट्री सिविक्स टीचर्स इन स्कूल, प्लीज इंक्लूड दिस एज वन ऑफ योर लेक्चर्स इन द स्कूल्स। स्प्रेड अवेयरनेस, प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस। हिचकिचाए नहीं इस बारे में वीडियो शेयर करने में, प्लीज। ये एक बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही गूढ़ कंसर्न का मुद्दा है। आप लोग रेप के बारे में इतने ज्यादा उग्र हो जाते हैं फेसबुक पे, हर कोई कैंडल लेके मार्च कर रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जो सालों से रहा है और इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। माय हैंड्स आर शेकिंग एट द मोमेंट, आई एम वेरी सॉरी।
ये स्टिक पे लगा है मेरा कैमरा फोन का। एंड आई मेक श्योर आगे ये मेरा हाथ शेक ना करे, तो वीडियो शुड नॉट शेक, बट यू शुड शेक। जो जो जिसने जिसने ये फिल्म देखी या इस मुद्दे के बारे में पढ़ा, मेरी टीम और मेरे पास 1 जुलाई जब मैंने अपने अपने लोगों के साथ ये फिल्म शेयर करी है, लिंक शेयर करे हैं, आई हैड 2 स्लीपलेस नाइट। दिन रात देश विदेश में बैठे लोग, दे डोंट फॉलो द इंडियन टाइम लाइन, दे वॉन्टेड टू नो सो मच अबाउट इट। वॉट टी एफ, ऐसा उनका रिएक्शन निकला था। ये होता है मेरी सोसाइटी में। माई क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स, मैं जहाँ रहती हूँ इर्द गिर्द मेरे पड़ोसी सब लोग हैरान थे, उन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। आप हमारी इस मुहिम में जुड़े, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, ये बात की बात है। आप प्लीज इसके बारे में खुद कुछ खोजबीन करिए, पढ़िए, ये पहल है। मूवी देखिए, कुछ चीज समझ में आएंगी, पता तो लगे ये होता क्या है। एंड वाई इट इज कंसिडर्ड अ सोशल इवल, टुडे इज यू। आप लोग बहुत टेक सैवी हो, ठीक है। गए वो दिन जब किताबें पढ़ा करते थे लोग और सो भी जाते थे ऐसे सीने पे किताब रख के, आज हमारी रात भर भी उंगलियां चल रही होती हैं, है ना, फोन पे। कितना टाइम लगता है एक लिंक को प्रेस करके, उसके बारे में जानने, पढ़ने, देखने और उसको फर्दर शेयर करने के लिए। टुडेज यूथ, आई रियली बिलीव यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज एंड गेट कनेक्टेड। डू दिस नॉट फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी प्लीज। आई एम नॉट सीइंग एनी कमेंट्स एट द मोमेंट, आई जस्ट नो देर आर पीपल रैंडमली वॉचिंग। दीपिका हाई, बेटा तुम देख रहे हो, प्लीज स्प्रेड इट इन लखनऊ अमंग योर फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज बर्निंग। Hi Vanessa, I know you are an admin of a casting audition group of actors. Sorry, would violate the terms of the group and its purpose if I do share it. You share it in the group, please. There are many more writers who are watching it. I'm sure. बहुत सारी और फिल्म बनेंगी इस पे अब। एंड ये इस समय एक साथ जो बहुत कुछ हो रहा है और स्पेशली इस साल, मुझे लगता है इंडिया में जरूर बैन होगी ये प्रैक्टिस, जरूर बैन होगी। आई जस्ट चेक वेदर आई मिस्ड एनी डिटेल इंफॉर्मेशन। ओ यस, आई डिड मेंशन कि ये पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को वायलेट करता है। आप एक तरफ बच्चों के बारे में इतनी कंसर्न दिखाते हैं, आप चाइल्ड लेबर के बारे में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, आप इतना कुछ हर मुद्दे के बारे में करते हैं और इस मुद्दे के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। लेट्स प्रिज्यूम जानते नहीं थे, आप जान गए। यस यस जितेंद्र, इट इज अ रॉन्ग सिस्टम, इट्स वेरी रॉन्ग सिस्टम। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात
प्लीज अवगत कराइए उनको इस टॉपिक से। एंड जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया अपने वीडियो में, यू कैन अगेन एंड अगेन सी माय वीडियो इफ यू वांट टू पैक ऑन एनी इंफॉर्मेशन। सॉरी आई विल पुट माय फोन ऑन साइलेंट। मैसेजेस हैं हाय मुरली, हैड an interaction with you late night a day before, and of course everybody's reaction was this. Aap international pahunch rakhte ho, see what you can do to spread it at your end. And bahut se log meri friend list mein aise bhi hain jo पॉलिटिकल कनेक्शंस रखते हैं या इम्पोर्टेंट ओहदों पर हैं। कहीं कुछ भी हो, आप एक 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 लेट्स से आप एक अपनी ही रेजिडेंशियल सोसाइटी के रैंक होल्डर हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, आप प्रधान अध्यापिका, आप प्रिंसिपल भी हैं या कुछ नहीं, तो आप एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नर्सिंग होम रन करते हैं। यू हैव द पावर, आई मीन टू से आज एक छोटा छोटा व्यक्ति के पास भी पावर है। सो प्लीज टॉक अबाउट दिस, शेयर जितना ज़्यादा आप लोगों से इस सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में शेयर कर सकें, बोल सकें। मुझे पता नहीं, बहुत सारे लोग मेरे परिचित मेरे दोस्त हैप्पी अमिताभ जी, आई थिंक आप लोग अभी जुड़े हैं। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो ऑल ओवर अगेन। आई एम बीन गोइंग फ्रॉम टू पास 10 मिनट्स आई बिलीव अबाउट FGM, फीमेल खतना, जो कि एक बहुत बुरी सोशल प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में, काफ़ी सालों से होती आई है। दाऊदी बोरा कम्युनिटी इसको प्रैक्टिस करते हैं, और ये कम्युनिटी, मैं आपको बताऊं, दिस कम्युनिटी इज बिलीव्ड टू बी वेरी एजुकेटेड, हाँ, दे क्वाइट वेल्दी प्रॉस्परस एंड वेल रेड कॉम है ये। एंड आई एम सॉरी अगर किसी को भी कुछ बुरा लगा हो, या इफ आई हैव मिस्ड ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम फिर मिल सकते हैं, लाइव हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू नो मी, मैं अपने थिएटर ग्रुप, अपने थिएटर प्ले के थ्रू भी 2000 सनसनी पैदा कर चुकी हूँ। मुझे शायद लोगों से इंटरेक्शन करने में और कुछ सुनने सुनाने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। अभी फिर 2018 में आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो आपको समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ बहुत सारे प्रश्नों की बौछार करेंगे मुझ पर, और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी ये क्या है, या आप खुद पढ़ेंगे ये क्या है, तो यू बी एबल टू शेयर इट फर्दर। और प्लीज अवेयरनेस, ऐसा हमें स्ट्रॉन्ग हो